करिकुलम डवमेंट का फोर्थ फ्रेमवर्क विच वॉज प्रोपोज बाय जेम्स हैंडरसन एंड रोज मेरी गॉर्निक हैंडरसन एंड गोर्निक्स के मुताबिक जिन्होंने दो हजार सात में करिकुलम फ्रेमवर्क को पेश किया इनके मुताबिक करिकुलम शुड बी अनैक्टेड यानी करिकुलम पर एक्ट किया जाए या परफॉर्म किया जाए एंड इट शुड बी डिवेलप्ड विद इन दंटेम्प्रेरी स्कूलिंग कंटेम्प्री स्कूलिंग क्या है कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग जदीद स्कूलिंग मॉडर्न स्कूलिंग या एडवांस्ड स्कूलिंग और टीचिंग लर्निंग के एडवांस्ड मेथड क्या होते हैं तो करिकुलम को स्कूल में जहां पर पढ़ाया जाता है वहां पर ही इसको बनाना चाहिए जो तीन पैराडाइम्स इन्होंने पेश किए करिकुलम डेवलपमेंट के लिए उसमें पहला है स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट सेकेंड कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड करिकुलम विजम इन तीन पैराडाइम्स को उन्होंने पेश किया या तीन फ्रेमवर्क्स को उन्होंने डिफाइन किया कि अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक फ्रेमवर्क को समझते हुए करिकुलम को कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग के लिए बना सकते हैं या जदीद टीचिंग लर्निंग के मैथड्स के मुताबिक बना सकते हैं इस करिकुलम के पैराडाइम को हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये फोकस करें कि हाउ स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग इन द क्लासरूम सो हाउ डू दे परफॉर्म व्हाट इज़ देयर अचीवमेंट लेवल दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड द डिस्कोर्स बाय विच एजुकेटर्स एंड अदर्स कंसीडर एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड अचीवमेंट्स बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं और सेकेंड अहम नुकता ये है कि हमें यह देखना है कि वो कौन सा बहस व है और वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनस या टीचर्स या करिकुलम डेवलपर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन में अपनी सलाहियतें रखते हैं वो किस तरह से डिस्कस करते हैं क्या बहस करते हैं कि बच्चों को आज के वक्त में क्या पढ़ाना चाहिए लिहाजा अगर हम इन पैराडाइम्स को समझना चाहते हैं जो कि हैंडरसन और गॉर्निक्स ने पेश किए इनके मुताबिक हमें ये देखना है बच्चे सीख क्या रहे हैं और जो वो सीखते हैं इसके पीछे किस किस्म की एक्सरसाइज या किस किस्म की मशक जाती है जहाँ पर तमाम लोग स्टेक होल्डर्स यानी एजुकेटर्स करिकुलम डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स मिलके ये फैसला करते हैं कि हमें अपने स्कूल में ये पढ़ाना है स्टेंडरडाइज मैनेजमेंट पैराडाइम के मुताबिक आपने बच्चों को स्टैंडर्डाइज टेस्ट देने हैं और इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के मुताबिक ही बच्चों को टेस्ट किया जाएगा यानी हमें यह मालूम है कि हमें आज के माशरे में रहते हुए अपने बच्चों को यह सिखाना है कि वो 20 साल बाद तक कामयाब होंगे तो हमें टेक्स को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए सेलेक्टेड होना चाहिए सिफ्ट होना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें तालीम देनी है करिकुलम जो स्कूलों में इस वक्त पढ़ाया जाता है जदीद तरीकों पर जहां पर एजुकेशन की जाती है वहां पर हमें ये जहन में रखना है कि इस फ्रेमवर्क के मुताबिक करिकुलम को बिल्कुल जो स्कूल में किया जाता है उसके मुताबिक बनाया जाएगा अगर हम कुछ फैक्ट्स और आइडियाज सिखाना चाहते हैं और हमने उनको स्टैंडर्डाइज कर लिया है तो हम स्कूल में सिर्फ वही पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्श बेस्ट प्रैक्टिस पैराडाइम इट रिक्वायर्स के बच्चों ने कितना सीखा है सब्जेक्ट मैटर या मजामी जो आप पढ़ाते हैं वो बच्चे किस हद तक सीख पा रहे हैं और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है आप कुछ भी पढ़ाएं कुछ भी सब्जेक्ट एरिया पढ़ा रहे हो उसकी डेप्थ कुछ भी हो या उसकी डिटेल्स कुछ भी हो बेसिक कंसर्न इस फ्रेमवर्क के मुताबिक ये होगा कि जो सब्जेक्ट मैटर आपने क्लासरूम में पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सीखा यहां पर इस एजुकेटर्स का मेन कंसर्न या उनका मेन काम क्या होगा कि बच्चे किसी भी तौर उस कंटेंट मैटर को समझ लें जिसको करिकुलम में एज सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट किया गया था और उसी में बच्चों को मास्टर करवाना मकसूद था यानी बच्चे उस कंटेंट को समझ लें सो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट किड्स विल बी लर्निंग एक्स कंटेंट सो टीचर्स विल बी पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स टू एनेबल किस्टैंड टू बी टॉट इन द्लास रूम सेकेंडली बच्चों में समझ आ जाए कि हमने क्या सीखा है और इसको असेस कर सकें सो so, हम ये देख सकते हैं कि यह बेसिकली रिक्वायर ये करता है कि किसी भी क्लासरूम में तब्दीली आती रहेगी एंड इट विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड देर बी ए चेंज इन द क्लास एंड इन द स्कूल्स वेयर असेसमेंट वॉज ओनली डन थ्रू टेस्ट सो वट वी एग्जैक्टली मीन इज के जब हम ये तय कर लेते हैं या हमने ये मकसद बना लिया कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको सीख भी लें और टीचर का भी मेन काम यही है कि वो इस चीज़ को इंश्योर कराए कि बच्चों ने वो सीख लिया है तो वो क्लासरूम्स जहाँ पर रोड लर्निंग कराई जाती है या जहाँ पर बहुत स्टैटिक टीचिंग है जहाँ पर के ऊपर ये हरगिज़ एक बाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने बच्चों को कंटेंट पढ़ाना भी है तो वहाँ उन क्लासरूम्स में और उन स्कूलों की टीचिंग लर्निंग मैथडोलोजी में एक वाज तब्दीली की गुंजाइश है और हम इस तब्दीली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो इफ़ वी फॉलो द फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम डेवलपमेंट वाइल वी आर थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट बेस्ट प्रैक्टिस सो फिर हमें वो बेस्ट प्रैक्टिस को ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे वो बेस्ट प्रैक्टिस अपनी क्लासरूम में कराएं जहाँ पर टीचर्स के लिए गुंजाइश है कि वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे मुतिन करदा मकासद को या मुतन करदा कॉन्टेंट को पूरी तरह समझ लें और उसको अप्लाई कर सकें और असेसमेंट में बेहतरीन नतयज दे सकें करिकुलम विजम थर्ड फ्रेमवर्क इसके मुताबिक हमारा बेसिक मकसद स्कूल का यह है कि हम बच्चों में सेल्फ नॉलेज की रियलाइजेशन कराएं और उनमें यह कैपेबिलिटी पैदा हो जाए कि वो अपने आप से कमिटमेंट और विद इन सोसाइटी क्या कमिटमेंट्स उनकी हैं एज शहरी के तौर पर वो उसको पूरा कर सकें सो वी हैव टू एनेबल स्टूडेंट्स टू बी एबल टू नो हु दे आर एंड वट दे डू एंड हाउ दे परफॉर्म इज अफेक्टिंग द सोसाइटी वट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूर दिस सोसाइटी एंड It also gives a space that you can add further knowledge and you can have a curriculum which is broad and which is wide. And it is not a curriculum which is only addressing selected subject areas or content knowledge, but we can also widen the whole horizon of the curriculum if we develop the curriculum according to this framework of paradigm.